हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक ट्यूबर सारा। आज मेरे किचन में बन रहा है बच्चों का मोस्ट फेवरेट किटकैट शेक। मेरे बच्चों ने ये बाहर कैफ़े में पिया था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मम्मी घर पे भी मुझे ज़रूर बना कर दीजिएगा। मैंने घर पर ट्राई किया, बहुत टेस्टी बना, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको भी बनाना सिखाते हैं ये मज़ेदार सा कैफ़े स्टाइल किटकैट शेक। बहुत कम सामान के साथ, बिल्कुल घर में कुछ ही रखी हुई चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे। बहुत डिलीशियस, चिल्ड, बिल्कुल ठंडा, मज़ेदार ये बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो है किटकैट और कोई भी चॉकलेट बिस्किट। तो ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आराम से किटकैट शेक बना लेंगे। तो क्या करना है, किसी भी तरह का कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले लीजिए। यहाँ मैंने 6 से 7 बिस्किट लिया और इस तरह से तोड़ के डाल दिया। मैं 2 ग्लास बना रही हूँ तो ये 2 ग्लास के हिसाब से क्वांटिटी है। यहाँ मैंने डाल दी है चीनी, 3 चम्मच डाली है, 3 टीस्पून। आप चाहें तो थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर ले ली है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है हमारी किटकैट शेक का, किटकैट। यहाँ पे मैंने 3 स्टिक वाली ली है और ये मैंने तीनों ही डाल दी है यहाँ पर। उसके बाद डाल दिया है यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दूध की मलाई। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, आप चाहें तो थोड़ी सी फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसकी जगह वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। उसके बाद डाल दिया है मैंने दूध, यहाँ 300 ml के आसपास मैंने दूध डाला है। उबला हुआ ठंडा दूध है ये और फुल फैट दूध है। और उसके बाद डाल दिया है यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप और इसको कर लेते हैं हम ब्लेंड। तो ये हमारा मज़ेदार सा शेक जो है रेडी हो गया है। अब शेक बन तो गया है, लेकिन अगर जब तक उसकी ग्लास में डेकोरेशन ना हो अच्छी सी तो वो पीने में मज़ा नहीं आता ना बच्चों को। मैंने क्या किया, चॉकलेट सिरप से इस तरह से डेकोरेट कर दिया और इसके ऊपर डाल दिया है पूरा अपना किटकैट शेक और ऊपर से किटकैट से और चॉकलेट सिरप से इसको डेकोरेट कर दिया। अच्छी से डेकोरेशन करके बच्चों को ज़रूर दीजिएगा ये, तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा पीने के लिए। और मैंने यहाँ पर कोई आइस नहीं डाली है, आप चाहें तो थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और ये था मेरा सिंपल सा किटकैट शेक की रेसिपी। अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की ईजी और सिंपल रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।